जिस तरीके से बॉलीवुड को आज बायकट किया जा रहा है, बॉलीवुड क्या ऐसे कुछ लोग जिनका नाम सबको पता है उन लोगों को बायकट किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब एक नया मुद्दा आएगा लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले भी काफ़ी सारे मौतें हो चुकी और उस समय लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, तो लोगों तक ये बातें पहुँचती नहीं थी। अब पहुंची है लेकिन लोग इन पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। 5-6 दिन का माहौल रखेंगे बायकट बायकट, 10 दिन बाद नई न्यूज़ आएंगे, पुरानी न्यूज़ को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों? जब आपने ये तय कर लिया है कि हमें यह नहीं करना है तो फिर आप 5-6 दिन 10-15 दिन बाद उस चीज़ को भूल कैसे जाते हैं? चाइना का बायकट बायकट कर रहे थे और लोग आज चाइना की ही चीज़ें वापस खरीद रहे हैं। बायकट बायकट कोई गेम नहीं है कि जो आप एक बार जीते एक बार हार गए और भूल गए। दोस्तों ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर आपने एक बार सोचा है कि बायकट करना है, इसका मतलब बायकट करना है। चाहे वो टीपू सुल्तान मूवी हो, चाहे वो सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे वो करण जौहर फिल्म प्रोडक्शन हो, आलिया भट्ट की मूवी हो, महेश भट्ट की मूवी हो। दोस्तों जिन लोगों को आपने एक बार तय कर लिया है कि इन लोगों की कोई मूवी नहीं देखनी है, इन लोगों की कोई बात नहीं सुननी है, उन लोगों की बात आप 10 दिन बाद वापस सुनने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5-6 दिन पहले स्टेटस डाले थे बायकट दिस मूवी, बायकट दिस, बायकट दिस, और आज वही लोग उनके वापस फ़ोटो लगा रहे हैं, उनके फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। ये कैसी मूर्खता है। जब आपने एक बार ये डिसीज़न ले लिया है, आपने सोच लिया है कि यही काम करना है और यह काम नहीं करना है, तो फिर आप 5-6 दिन 10 दिन बाद अपने टारगेट को चेंज कैसे कर लेते हो? आखिर ऐसा क्यों? और जब आपको खुद के टारगेट पर इतना भरोसा नहीं तो पहले इतने भोंकते क्यों? पहले इतनी ज़्यादा बातें क्यों करते हो? सोशल मीडिया में 50-50 स्टेटस एक ही साथ क्यों डालते हो? देखिए दोस्तों, जिस चीज़ का बायकट का फिक्स डिसीज़न ले लिया है, बस ले लिया है, उस चीज़ पर अटल रहो। उस चीज़ को किसी भी हालत में नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, चाहे वो चाइना हो, सलमान खान हो, करण जौहर हो, टीपू सुल्तान मूवी हो, कोई भी चीज़। और आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं, हर चीज़ आपके पास इस फ़ोन के थ्रू आ जाती है। जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है, आपको पता है, फिर भी आप वही काम करते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को इसलिए मोटिवेट करना कि आप अपने मार्ग से भटक ना जाए। दोस्तों जिन चीज़ का बायकट का हमने फैसला किया है, हम उस चीज़ पर अटल रहेंगे, अड़िग रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हैं जिनकी मूवी अपन हम देख लेंगे, लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों की मूवी नहीं देखेंगे जो सिर्फ अपने आप को शहंशाह समझते हैं।